देखो जो भैया आज दिखाते हैं भाड़े वाला जोटा जो कि काफ़ी शानदार कंडीशन में फिलहाल। आप सभी भाई एक तो कटड़े के सींग से पुट्टी पर नज़र करो कि कटड़े की सींग सींग पुट्टी कितनी बेहतरीन वाली और आँख भी काफ़ी मोटी मोटी। और अभी तो सबसे अच्छी बात है कटड़ा सुधा बिल्कुल जैसे कि मैं से अनजान हूँ, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है कट्टे को। बाकी जैसे बेरंगे भाड़ा कर कब है तो थक जाएगा कब। अभी थोड़ी देर पहले ही मिट्टी की बुग्गियाँ छुटा कटड़ा और उसके बाद और अभी भैया से भी बात करेंगे, भैया से बात करेंगे कि कटड़ा कितने बुग्गी कटड़े ने गंडे घेरे और कितनी ही मिट्टी की बुग्गी घेरी। चल और जो कि कंडीशन देखो आप सभी भाई कटड़े की कितनी साफ कंडीशन है का, जैसे कि हाँ जैसे कि कटड़ा हड्डी भी एक ही ले रहा और पूंछ पुट्ठे काफ़ी सफा और गुड डोलो पूंछ। और जो कि कटड़े के अगले पैरों पर आप गौर करो कि कटड़े के अगले पैर कैसे हैं बच्चे, वो बिल्कुल सीधे मोरों का जो रहा है कटड़ा। और सींग भैया वही वाला सींग आ रहा है जो हल्का सा कैचापन हुआ है। और भैया अगर किसी भाई के पास कोई गाय या भैंस हो बिक्री की तो भैया मेरे द्वारा फ़ोन कर लियो, मुझे कांटेक्ट कर लियो, मुझे डायरेक्ट वीडियो भेज दियो। हेलो चलो अभी बाद में बात करूँगा, है ना। देखो जी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन, जो कटड़ा काफ़ी सुंदर भी है, ऐसा नहीं है भाई कटड़ा भाड़े में चल के ज़्यादा बेकार हो रहा जैसे ही कटड़ा भाड़े का भी काम करे। कटड़ा कहाँ से लाए और कितने दिन हो गए? तो भैया एक बार तो पहले अपना नाम बता दो। नाम हर शर्मा, गांव अलीपुर और ज़िला क्या लगेगा जी? ज़िला मेरठ, तहसील सरद ना। तो भैया कटड़ा कितने दिन से आप पे? पूरा सीज़न हो गया, इसी सीज़न में शुरू में लाए थे। तो कटड़े ने फिलहाल कितनी बुग्गी गंडे घेर दिए होंगे? गंडे घेर दिए भैया इससे 230-235 बुग्गी की लपेट में, 235-235 की लपेट में। तो फिलहाल कटड़ा से कि अब क्या काम कर रहा? अब तो भैया भुजडोरा, भुजडोरा मिट्टी घेर रहा अरे रोडी बजरपुर, अरे ये जो लाके गिर रहा है वो अलग है, ये फ्री में जा रहे हैं इनके इधर की फोटो। अच्छा अच्छा, जैसे कि मतलब फिलहाल रात को भूस ढोवे, दिन में मिट्टी ढोवे और बाजी बट टाइम लग जावे तो रेत भी ढो जाए कटड़ा। तो जैसे कटड़ा इतना काम कर रहा तो कटड़ा थकान वकान का कोई काम हो, जैसे कटड़ा भाई इतने काम में थकान मान जावे डंगर, तो ऐसा लगा था मैं जैसे कि भाई कटड़े ने थकान माननी हो? नहीं बिल्कुल। तो कटड़ा डंडी फटक का ज़्यादा चला के या कैसे? कैसी चला लो, नहीं बिल्कुल कोई भी मार पिटाई नहीं है भैया, देख लो बिल्कुल साफ है। जरा मेरा सीधे देखो कहीं कहीं डंडी मारनी पड़ जाए जब भाड़े। हाँ तो तीन तीन फेरे भी गिरे कटड़े ने मिल के। देखो जी कटड़े ने तीन तीन फेरे भी गिरे हैं और बाकी अब कटड़े को जुड़वा के दिखाऊंगा आप सभी भाई को कटड़ा कैसे चला। और भैया टाइम हो रहा मेरे हिसाब से, एक बार आपको दिखा भी दूँ, सभी भाई टाइम पे भी गौर कर लो कि टाइम कितना हो रहा। चलो जी अब जुड़वाते हैं। देखो जी भैया, भैया के पास एक काला जर्मन शेफर्ड भी है, अगर किसी भाई को चाहिए तो भैया कहना फ्री में दे देंगे। बिल्कुल शुद्धा है, किसी को कुछ नहीं कहता, कोई कभी भी आओ कभी भी जाओ। देखो जी कटड़ा चल चुका है और भैया ने भैया पिट्टा भी मैंने मंगाया है अपने जान पहचानों का, क्योंकि पिट्टा भी नहीं है भैया पे और कटड़ा बिना कुछ कहे जेवड़ा ही पकड़ के रखना पड़ रहा। जैसे कि भाई कटड़ा मंदा रखो, मंदा मंदा हाईवे पे चलाऊंगा सही, ज़्यादा मत भगाओ, मंदा रखो मंदा। देखो जी कटड़े का पूरा जेवड़ा ही खींच के रखना पड़ रहा, इतना चला का डंगर जी। भाई साहब हम जी अलीपुर में वीडियो बना रहे हैं, अलीपुर में ही आ जाओ। हाँ पर मेन रोड पे चढ़ने वाले अलीपुर में सह बाहर हाईवे पे दुराले की साइड को दुड़की भाई, दुड़की चला अंदर दुड़की, कटड़े की दुड़की देखो आप सभी भाई, इतनी शानदार दुड़की चल रहा
ऐसा ही कट्टा लंबी दूरी गोबर देखो कहाँ गिरवा दिया तुमने। कटना तो बढ़ रहा है करीब करीब 1:30 बजे का टाइम है और 1:30 बजे के टाइम में भी तो शानदार गाड़ा चल के निकाला, जैसे कि सुपर मट्टी की बुक्की भी गिर गया। तो अरे सबसे अच्छी बात है सेवड़े का रहता है, साफ है, अलग का रोकते एकदम रुक गया था, नहीं भाई गड्ढा रुक रहा नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा जेवड़े का। और हाईवे पे चला दिया गड्ढा, बाकी बिना कुछ कहे आप सेफ्टी देखो आप सभी भाइयों के लिए तुड़की भी उछाल भी क्यों निकालते मोटर से निकालेगा तो चलता नहीं जाते। बंदा करो खींच के बंदा करो तुड़की चलाओ। देखो जी आप सभी भाई देखो कटड़े की तुड़की देखो, अगर किसी भाई को लंबी दूरी की गंगा जिनानी तो भैया चुप बैठे रहो, कटड़ा चलता रहा होगा। देखो सबसे अच्छी बात है कटड़ा बड़ी गत में इतना है, अगर हल्का सा भी कटे तो ख्वाब याद हो गए कच्चे में अगले जाएंगे अली भाई, अगर ख्वाब याद भी दोगे तो और भी अच्छा निकल जाओगा। चलते रहो यहीं तुड़की पे बिना कुछ कहे, कहीं लगता ऐसा नहीं अभी कटे कुछ कहना पड़ रहा, और हल्का सा बोलते कपे पे कुछ हो जाओ, इतनी गारंटी मेरी है। तो सबसे अच्छी बात है जब कटड़ा इतना काम कर लें तो किसी टाइम जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होती, और ऐसे ही जो कटड़ा है। बाकी देखो कटड़े ने यार भी खा रखा था, क्योंकि देखो हम बता के नहीं आते, हम तो जब भी हमें जब जी करा जब चलते हैं जब टूटवाते हैं। और भैया है हाँ बता दिया, 1 बज रहा हो तो सूरज से बदल जा, तो भैया सूरज से पता चल जाएगा कितने बज रहे। वैसे मैंने टाइम फोन में दिखा दिया था कि कितना टाइम हुआ, अब कि 7:30 घंटा जो चल रहा है टप्पा खुद ही देखो। बाकी आपको स्पीड भी दिखाऊंगा, ऐसे नहीं स्पीड नहीं दिखाऊंगा। तो सबसे अच्छी बात है कटड़ा अपने चलने पर ज़्यादा ध्यान रखे, ऐसा नहीं है कि भाई इधर उधर को देख रहा है कुछ कर रहा, बस थोड़ा थोड़ा क्या मोड़ लियो इधर मोड़ लियो कुछ छाता मोड़ लियो अंदर। बिल्कुल साफ सुथरा कंडीशन कटड़ा, सबसे अच्छी बात है घरों का लफर बहुत अच्छी कट्टा का कटड़ा, चलने का पैरों पे मतलब सारा ही कटड़ा पैरों पे धरा, ऐसा नहीं है शरीर ज़्यादा लंबा हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कुछ जहाँ खड़ा कर दिया वहाँ का वहीं घूम भी बिल्कुल रस्ता मेरी जरा सी नहीं है, और उतरने के बाद मुड़वाया हमने, चलो मोड़ ले भाई तू भी पल्ली तरफ ले ले, चल 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 पल्ली तरफ चलो, कल तो चल मंदा चलन दे मंदा शुरू में, चलो चलो बस ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ा चल। चल बड़ा मोड़ पार हो जाना जो छोड़ियो पा मार रहा हो कनाडा लग रहे ढिल्ला छोड़ के छूतड़ो भात लगा दो, ढिल्ला छोड़ के छूतड़ो भात लगा दो पीछे बस बोलो ना। पा मार रहा पैर में चोट लग जाओगी पीछे ना कोई पा मार रहा कनाडा खींच ले भाई
बाग हल्का था बहुत हल्का था हल्का था ना देखो जी बचने बचने का भी इतना अच्छा खुद ही बच गया ऐसा नहीं जेवड़ा इधर उधर उछलना पड़ा साफ सुथरा बचने का खोलने का ही ना चिपक गया। और देखो जी सबसे अच्छी बात है काम करने का देखो मेरे जो बताऊँ वो ही है बिल्कुल मुँह चिपक रहा गड्ढे को मोड़ लो यार पानी तो फिट है कटला अंदर उस गली में आया जिसमें गाड़ियाँ पिंचर हुआ था जिस गाड़ियाँ पिंचर ना हुआ था हाँ उसी रोड पर वहीं आ जाओ बिल्कुल बंदा मुँह देखो जी घर तक भी टप्पा मार रहा है निकलता गली में बंदा चल रहा बहुत सगड़े को अंदर है कि गांव में बंदा चलने की तो फिर बोल घर तक ही टप्पा मारा कर देना और देखो जी बिल्कुल फ्रेश कोई भी एक भी सांस नहीं है और आप खुद ही कोक देख लो कटे की बिल्कुल फुल है और जरा से भी कोई भी सांस वास कुछ नहीं है। चलो जी अब इसकी वीडियो देखियो कमेंट करियो लाइक करियो।